हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वरुण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वरुण द वंडरर। तो गाइज, ये मेरा पहला वीडियो है और व्लॉग है, तो मैं चाहता हूं कि इसमें मेरा एक इंट्रोडक्शन आपको हो जाए ताकि आपको पता रहे कि ये किसका चैनल है और इस चैनल पे किस रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगे। तो मेरा नाम वरुण है, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ और मेरे चैनल पर आपको जो वीडियोज़ मिलेंगे वो होंगे ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस होंगे। प्लस ट्रैवल से रिलेटेड हम बातें बताएंगे आपको कि कौन सी चीज़ कहाँ कितने दूर कितने डिस्टेंस पे आपको पड़ेगी। तो मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि केवल अपना इंट्रोडक्शन देख के ये व्लॉग को बंद कर दूँ। तो मैंने एक छोटी सी ट्रिप आप लोगों के लिए प्लान की है जो कि मेरे घर के नियर बाय पड़ती है, अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 किलोमीटर। एक लेक है जिसका नाम है सुरिनसर, तो मैं आपको वहाँ अपने साथ ले जाता हूं और आपको सुरिनसर लेक के दर्शन कराता हूं। तो मिलते हैं हम अपनी कार में अब आपको। तो ये आप देख रहे हैं मानसर लेक जाने के लिए, सुरिनसर लेक जाने के लिए ये रास्ता पड़ता है। बहुत ही प्यारा रास्ता है, अगर आप बाइक से ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको और मज़ा आएगा। और बाइक की भी जब बात करी मैंने, पीछे मेरे आप देख सकते हो एक बाइकर भी आ रहा है जो कि बाइक राइड पर ही जा रहा होगा। तो बहुत ही प्यारा रास्ता है और ये रास्ता मानसून में और अच्छा लगता है, बहुत ग्रीनरी हो जाती है। ग्रीनरी तो खैर अभी भी है बट फिर भी उस टाइम ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है और ये एरिया बहुत खूबसूरत दिखता है। रास्ते में हम जा रहे थे तो एक अच्छा सा व्यू दिखा, तो मैंने सोचा कि आपको भी मैं वो व्यू दिखा देता हूँ। ये बहुत ही प्यारा व्यू है तवी का, आप आई होप देख पा रहे हो कि ये तवी यहाँ से जाती है जो कि पूरे जम्मू शहर में देखी जा सकती है डिफरेंट लोकेशंस पे। और ये जो आपको छोटा सा टाउन दिख रहा है ये है बजालता टाउन, तो ये जम्मू से जैसे सिद्रा से 5 किलोमीटर ही पड़ता है। बट यहाँ की जो सीनरिक व्यू है वो बहुत प्यारे हैं, वो आप देख सकते हैं। और ये नीचे जो है वो रेलवे ट्रैक है, तो ये वही रेलवे लाइन है जो मैंने आपको ऊपर से दिखाई थी। तो ये रेलवे लाइन हमारे साथ साथ चलती हुई और ये है रास्ता कुछ जो हम लेक की तरफ जा रहे हैं। कहीं कहीं पैचेस बीच में ख़राब हैं, कहीं कहीं अच्छी है, ओवरऑल अच्छी रोड है। तो जनरली जम्मू के लोग यहाँ पर संडे को आते हैं, छोटा सा पिकनिक स्पॉट ही है, बच्चों को राइड्स वगैरह कराने, छोटे छोटे यहाँ पर रेस्टोरेंट खुल गए हैं आजकल। तो अब ये एंटर कर गए हम बजालता टाउन में, क्योंकि मैं बता रहा था ऊपर से कि जो मैंने आपको एरियल व्यू दिखाया था ये है बजालता टाउन, छोटा सा टाउन है। ये सिद्रा एरिया से 5 किलोमीटर पड़ता है और जहां हम लेक जा रहे हैं वो 23 किलोमीटर पड़ती है सिद्रा से। तो एक छोटा सा मार्केट है जो कि यहां लोकल लोगों के लिए है। और यहां पर एक रेलवे स्टेशन भी है, बजालता रेलवे स्टेशन। तो ये एक प्यारा सा पुल पड़ रहा है बीच में, तो ये साथ में किसी टाइम यहाँ पर पानी ऊपर तक होता होगा तभी इस पुल की हाइट भी काफ़ी दी है और एट अ टाइम एक ही गाड़ी इस पर निकल सकती है। इस एरिया में कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है तो बीच में कई कई रोडें ख़राब हैं, जैसे कि मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और बीच में से इन्होंने पूरा पहाड़ी काट दिया है। तो आते वक्त हम इधर से आएंगे इन पहाड़ों के बीच में से, ये देख सकते हो दोनों पहाड़ बीच में से काट दिए हैं। आते वक्त हम उस साइड से आएंगे और जाते वक्त हम इस साइड से आपको लेके चलते हैं। तो हम आगे एक और व्यू पॉइंट पे, तो मैंने सोचा आपको ये व्यू पॉइंट भी दिखाया जाए। एक्चुअली जो लेक का एरिया है वो सारे बहुत अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट्स हैं, तो कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट व्यू पॉइंट्स हैं वो मैं आपको कवर करके दिखा रहा हूँ। तो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से। हाँ, ये देखिए ये जो ब्रिज आप देख रहे हो आगे, ये ब्रिज रेलवे ब्रिज है जो कि वैष्णो देवी के लिए जो भी पैसेंजर्स आते हैं, जो भी यात्री आते हैं जम्मू होकर जाते हैं फायर ट्रेन, तो ये ट्रेन इस ब्रिज पे से होकर गुजरती है और ये कटरा के लिए रेलवे ट्रैक जाता है।
और बहुत ही क्लियर व्यू है, आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट भी आते हैं और संडे के लिए लोकल्स ज़्यादातर लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं क्योंकि ये नियर बाय जम्मू के पड़ता है। चलिए बाकी मैं आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये छोटा सा एक गांव पड़ता है रास्ते में, इसका नाम है एथम। बहुत ही प्यारा सा व्यू है इस गांव का, छोटे छोटे घर हैं और बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है, पहाड़ों पे बन रहा हुआ है। खेती जनरली लोग यहाँ पर करते हैं और इक्का दुक्का शॉप्स भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, बट जनरली लोग यहाँ पर अपनी गाय भैंस से खेती इन्हीं के थ्रू अपना आमदनी कमाते हैं करते हैं। और ये जो छोटी छोटी रोड्स होती है ना, वो इतनी प्यारी लगती हैं जाते हुए कि ऐसा लगता है कि यार यहीं छोटा सा एक घर ले लो और यहीं रहो। बट हम शहर में रहने वाले लोगों को ना आदत पड़ गई है टीवी की, इंजॉयमेंट की, तो मुझे लगता है कि थोड़े देर बाद ना, अगर हम यहाँ ले भी लेंगे ना, तो थोड़ी देर बाद बोर हो जाएंगे और यही सोचेंगे कि चलो यार अपने शहर चलते हैं। मगर आप व्यूज़ देखो, कितने प्यारे व्यूज़ हैं। और ये माउंटेंस बहुत ही, मतलब आई डोंट नो कि GoPro इसको जस्टिफाई कर पा रहा होगा व्यू को कि नहीं, बट आंखों से अगर देखो, अपने आप देखो आप, तो इतने प्यारा व्यू है कि आपको यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। आपको लगेगा कि मैं यार बस यहीं कहीं कोई छोटा सा कमरा लेके एक दो दिन के लिए रह जाऊँ। बाकी आपको हम सुरिसर लेक पे जाके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लेक पहुँचे नहीं हैं, बट बहुत ही प्यारा एक व्यू दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लोगों ने अपनी फार्मिंग का जगह है और इसके साथ वो घर दिख रहे होंगे आपको, साथ ही साथ घर हैं और माउंटेन्स का व्यू तो प्यारा है ही। अभी गर्मियों का मौसम है बट फिर भी देखिए, ग्रीनरी देखिए, बहुत प्यारी ग्रीनरी है। तो मैं सोच रहा था कि आपको सीधा मैं अब सुरेंद्र लेक पे दिखाऊंगा, बट व्यूज़ इतने प्यारे हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप भी इसके आनंद लीजिए। तो चलिए फिर चलते हैं आगे सुरिसर की तरफ। पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, जो कि थी सुरिंसर लेक। मैं आपको व्यूज दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखिए कितनी प्यारी लेक है और कितने प्यारे व्यू है। ये एक ड्राइव थ्रू सा है लेक के साइड में और कुछ शॉप्स बनी हुई हैं, तो आप अपना खाना पीना यहाँ से कर सकते हैं। मैगी वगैरह, चाय, टी पॉइंट वगैरह है ये, तो यहाँ से खाना वाना कर सकते हैं। और लेक के नज़ारे देखिए आप। हम सुरिंसर लेक आ चुके हैं। बहुत ही प्यारा एक वॉकवे सा बनाया हुआ है, बट ये वॉकवे कहीं कहीं से टूटा भी हुआ है, तो आप लोग आए तो ध्यान रखें।
बहुत ही प्यारा व्यू पॉइंट है ये। ये पूरा एक सर्कल मैंने आपको दिखाया है जहाँ की गाड़ियाँ भी जा सकती हैं पूरा स्टैंड को पूरा करने के लिए, और इसी रोड पे आगे जाके मानसर आता है। ये था सुनिसर लेक का व्यू जो कि मैंने आपको दिखाया, और ये छोटा सा एक ड्राइव थ्रू बना हुआ है बहुत ही प्यारा सा, जिसको कि आप सुनिसर का एक चक्कर पूरा ले सकते हो अपनी गाड़ी में। पैदल करना चाहो पैदल कर सकते हो, बट हम गाड़ी से कर रहे हैं। लेक है और यहाँ से लोग बोटिंग करते हैं, तो आप यहाँ से बोटिंग के लिए भी जा सकते हो। ये बहुत ही प्यारा सा व्यू, पहले यहाँ पर कुछ नहीं होता था, बट अभी लोकल लोग जब से यहाँ पर आना शुरू हुए हैं तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर पार्क भी बना दिया है। बहुत ही प्यारा पार्क है, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो बच्चों के लिए बहुत कुछ है खेलने के लिए करने के लिए। ये मैं आपको रुक के एक बार दिखा लेता हूँ, छोटी सी ट्रेन भी है, बट अभी इन्होंने शायद बंद की हुई है या स्टार्ट नहीं हुई है, और बच्चों के लिए बहुत अच्छा, एडवेंचर के लिए काफ़ी अच्छा। मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है, अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पर आके, और होलसम एक संडे आप अच्छी तरह से यहाँ पर अपना लगा सकते हैं। ये पहले कुछ नहीं होता था, ये पार्क को अभी डेवलप किया है। और ये लेक का व्यू है, ये लेक जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक और लेक पड़ती है इसके आगे मानसर लेक, वो इससे बड़ी लेक है,
उसी का पानी इसमें यहाँ पर आता है। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट ब्लॉग है, जो कि हम यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और कमेंट्स में आप अपने व्यूज़ बता सकते हैं कि और किस तरह से इम्प्रूव हम कर सकते हैं इसको। तो काफ़ी अच्छे प्लेस हैं जो कि आप विज़िट कर सकते हो एक दिन संडे के लिए फैमिली के साथ। खास करके जम्मू के जो लोकल हैं उनको तो ये डेस्टिनेशन पता ही होगी, बट जो बाहर से आते हैं वो लोग भी इससे तो काफ़ी अच्छे से इन्जॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली बच्चों के साथ आके। खास करके खाने पीने की भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो आपको खाने पीने की भी टेंशन नहीं होने वाली है। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ अपने घर पर। दोस्तों अब हम अपने घर आ चुके हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो कमेंट करिएगा, और अगर कोई सजेशंस आपके दिमाग में हमारे लिए हैं कि हम कहीं इम्प्रूव कर सकते हैं तो डेफिनेटली उसको भी आप कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, इसलिए क्योंकि जब भी मैं अपना कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मैं नोटिफिकेशन आने के लिए इसलिए बोल रहा हूं ताकि क्योंकि हम एक कुछ बड़ी ट्रिप प्लान कर रहे हैं और कुछ अच्छा आपको दिखाने वाले हैं, दैट इज़ द रीज़न मैं नहीं चाहता कि आप वो सब मिस कर जाएं। और अगर मेरी चैनल आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए जब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं, और हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।